नमस्ते दोस्तों, जय महादेव। आज सावन सुद दूज और हमारी सोसाइटी में ये रामेश्वर महादेव का मंदिर। आज हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मेरा बर्थडे है, तो उस मौके पे एक दीपमाल का आयोजन किया गया है, तो उसी की तैयारियां चल रही है। ये मेरी मदर है, दिए रख दिए गए, उसमें घी डाल रही है, उसकी सारी तैयारियां चल रही है। ये मंदिर को सजाया जा रहा है फूलों की सजावट। ये हमारी सोसाइटी की महिलाएं हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहती है। मंदिर को सजावट कर दी गई है, ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट तैयारी है आरती के लिए। दिए भी जला दिए गए, दिए भी तैयार कर दिए गए हैं, शिव जी भी तैयार है, पगड़ी वगड़ी पहना दी गई है उनको, तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ये हमारी सोसाइटी की महिलाएं हैं, उनका सत्संग चल रहा है, भजन चल रहे हैं उनके। तो ये 108 दियों का दीपमाल अब तैयार हो चुका है, मैंने और मेरे पापा ने मिलके सारे दिए जला दिए हैं। ये है हमारे पुजारी जी जिग्नेश भाई। बस अब आरती शुरू होने की तैयारी, आरती के लिए दिए भी जला दिए जा चुके हैं, बस कुछ ही देर में अभी आरती शुरू हो जाएगी। ये ऊपर से नीचे तक का शिव जी का आज का लिबास, आज की तैयारी, आज का दर्शन। मंदिर को सब तरह से सजाया गया है, बाहर से लेकर अंदर तक, फूलों से, दियों से, और बहुत ही उम्दा वातावरण मिल रहा है हमको देखने को। इधर भक्तिमय वातावरण में त्यौहार मनाया जा रहा है, सारे ही त्यौहार मनाते हैं इसी तरीके से। तो ये आज का दिन, आज के दर्शन, प्रसाद बांट दिया जा रहा है। प्रसाद में हमने केसर पेंडा रखा था, पेंडा आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे गुजरात से, तो दूध से बनती एक मिठाई है। बस आरती, सब आरती के दर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे महिलाएं अपने घर की ओर चलती हुई। तो आज का हमारा ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो बर्थडे था उस हिसाब से मनाया गया। ये हमारी सोसाइटी के मंदिर का ग्राउंड, जहाँ पे होलिका भी मनाई जाती है, होलिका दहन भी होता है, मटकी फोड़ भी होता है, वही ग्राउंड है। ज़्यादातर त्यौहार हम यहीं मनाते हैं। तो मेरे पापा के एक दोस्त भी आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। पारिवारिक माहौल में सब लोग रहते हैं, मैं और मेरी बीवी।